झारखंड के खुंटी के घाघरा इलाके में पुलिस के जवान और पत्थलगढ़ी समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। जानकारी के अनुसार घाघरा के कुछ गांव में पत्थलगढ़ी करने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी जुटे थे। पुलिस ने जब इसे रोकने का प्रयास किया तो पत्थलगढ़ी समर्थक पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर जमकर लाठी भांजी, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिससे गुस्साए लोगों ने भाजपा सांसद करिया मुंडा के घर को घेर लिया और घर की सुरक्षा में तैनात 3 सुरक्षा गार्ड्स को अगवा करके उनके हथियार लूट लिए। पुलिस की कार्रवाई से नाराज आदिवासियों ने ग्राम सभा की बैठक के दौरान वोटर कार्ड, आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्रों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पत्थलगढ़ी समर्थकों ने ग्राम सभा की बैठक बुलाकर बंधकों को अपने साथ बैठा रखा है। उनकी मांग है कि सरकार के यहाँ आने के बाद ही सुरक्षाकर्मियों को छोड़ा जाएगा। आबाद जिला जो नोटिफाइड नहीं है, राज्यपाल गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और इस आबाद जिला के आबाद जिला प्रशासन ने नक्सलियों की तरह व्यवहार करके व्यवधान करने का प्रयास किया है, लेकिन हम हमारे स्वशासन व्यवस्था के वॉलंटियरों ने उन उपद्रवी नक्सलियों की तरह व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों को पकड़ लिया है और इनको ग्राम सभा के कस्टडी में रखा गया है। इन लोगों को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जज ग्राम सभा में आकर के संविधान का व्याख्या विश्लेषण नहीं करते हैं। और गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इलाके में 5 महिला कार्यकर्ताओं के अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला भी सामने आया था। पुलिस के मुताबिक इलाके के पत्थलगढ़ी समर्थकों ने ही जंगल में गैंगरेप को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए खुंटी से नीरज कुमार की रिपोर्ट।